नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जो लीगल लाइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शराब। शराब अगर गलत तरीके से बेची जाती है या इधर उधर से लाई जाती है तो भी शराब एक अपराध माना जाता है। कहीं पब्लिक प्लेस में अगर हम शराब पीते हैं तो वो भी अपराध माना जाता है। अगर हम कहीं ठेके आहाते जो फिक्स है, सरकार ने मान्यता प्राप्त हैं, उनके अंदर अगर बैठ के शराब पियेंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप शराब अपनी गाड़ी में बैठ के पियेंगे, किसी पार्क में बैठ के पियेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई व्यक्ति का जो शराब पीता है तो लोगों को बताना जरूर है कि आज मैंने शराब पी है। अब शराब पी के क्या करेगा, हल्ला मचाएगा, हुड़दंग मचाएगा, लोगों को उल्टी सीधे बात कहेगा, गाड़ी में तेज म्यूजिक बजाएगा, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि आज मैंने शराब पी है और वो मुझे वसूल करनी है। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति पब्लिक को परेशान करता है, हुड़दंग करता है, तो IPC के अंदर उस चीज़ का क्या प्रोविजन है? दोस्तों, IPC की धारा 510 यानी मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति शराब पी के पब्लिक प्लेस में हुड़दंग करता है, गली मोहल्ले में हुड़दंग करता है, लोगों को परेशान करता है, तो उस स्थिति के अंदर IPC की धारा 510 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। दोस्तों, अगर इसमें हम सजा की बात करें तो इसमें 24 घंटे की सिंपल इम्प्रिजमेंट है और 10 रुपये का फाइन है। यानी 24 घंटे चाहिए उसकी नशा उतारने के लिए। जब तेरा नशा ना उतरे तब तक तू जेल में रहे। दोस्तों, ये नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है। लेकिन दोस्तों, इस सेक्शन के साथ एक्साइज एक्ट का सेक्शन और ऐड होता है जिसमें फाइन का प्रोविज़न है और सजा का प्रोविज़न है। उसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।